बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी प्रीवियस रेसिपी को एक बार फिर से लाइक किया। आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये 400 ग्राम, ऑलमोस्ट 400 ग्राम बीफ है, इसको मैंने ले लिया, फ्रेश बीफ है बिल्कुल। ये हम इम्तियाज़ में तो इसी तरह से ही मिलता है कि हम इसको घर में ला के साफ़ करते हैं। तो अभी हमें इसको साफ़ करती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं इसको। देखें, बीफ की बोटियाँ हो चुकी हैं, एक बार फिर हम इसको फिर से वॉश कर लेंगे। फिर अब यहाँ पे मैंने एक पॉट के अंदर पानी को बॉयल करने रख दिया था। अब देखें, इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें अपना जो मैंने गोश्त की कटिंग की थी ये ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको बग़ैर कि कोई मसाला डाले, बग़ैर कोई नमक कुछ भी डाले, मैं इसको एक जोश दे दूँगी ताकि इसमें जितना भी गोश्त में जो जितना भी खून है वो सब सारा ब्लड जो है वो बीफ से बिल्कुल अलग हो चुका है। और इसको करने का मकसद ये है कि ये सब हमारे डाइट के अंदर हमारे पेट में ना उतर जाए, क्योंकि इससे हमें यूरिक एसिड बढ़ सकता है हमारा, हमें जोड़ों के दर्द की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत मिकदार में यूरिक एसिड होता है। अब हम इस पानी को बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे, पानी चेंज करेंगे इसका। गोश्त का पानी मैंने चेंज कर दिया, इसको अच्छी तरह वॉश कर दिया। अब देखें, इसमें कोई ब्लड नहीं है, बिल्कुल साफ़ क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये बर्तन ले लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी वही गोश्त जो कि अभी मैंने साफ़ किया था ब्लड के बगैर बिल्कुल। मैं ऐड करूँगी चने की दाल जो कि ऑलमोस्ट 200 ग्राम से ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने की दाल को मैंने धो लिया था और उसको साफ़ कर लिया था। अब इस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई मसाले जो कि 8 से 10 गोल लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 8 से 10 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्ची हैं, 3 सिनेमन स्टिक के टुकड़े हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। ये मैं सब इनमें ऐड कर दूँगी। इसमें लाल मिर्च है, अब मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, 4 या 5 क्लॉव लहसुन के हैं और 1 इंच लहसुन अदरक का टुकड़ा, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जितना आप खाते हो वो आप उतना डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी हाफ टी स्पून। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 ग्लास ऑफ वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको तेज़ आंच पे बॉयल आने तक हम इसको कुक करेंगे। फिर जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आंच को सेट करेंगे। मिक्स कर लें सब मसालों को। ठीक है, इसमें उबाल आ चुका है और अब हम इसकी फ्लेम को सेट करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर इसको हाफ आवर के लिए कुक करने के लिए रख देंगे। जब तक ये कुक होता है तो हम दूसरा काम करते हैं, हम मसालों को कट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रीन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, हम इनको कट करते हैं जब तक ये कुक होता है। मिलते हैं आफ्टर हाफ आवर। आधा घंटा हो चुका है, हम चेक करेंगे कि कबाब का बैटर कहाँ तक कुक हुआ। लेकिन सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गोश्त भी हमारा अच्छी तरह कुक हो चुका है, फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। हम इसको सिलबट्टे भी पीस सकते हैं, ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, चॉपर में, आपकी जैसी दिल चाहे आप उस तरह से इसको पीस लें। हम इसको पीस लेते हैं।
देखें ये मैंने बैटर को पीस लिया है, बीफ को ये मैंने सिलबट्टे पीसा है, आप चाहें तो इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको सिलबट्टे पीसा है। अब हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे एक अदद एग, अंडा। अंडे को हम अलग से एक बॉल में तोड़ेंगे ताकि अगर ख़राब हो तो हमारा बैटर ज़ाया ना हो। अंडा बिल्कुल सही था, हम इसको ये इसमें ऐड कर देंगे। कुछ फ्रेश मसाले थे ये हमने कटिंग कर ली। इसको एक अदद बड़े साइज़ की ये प्याज है, ये मैंने बारीक चॉप कर लिए। देखिए इस तरह से आप इसी तरह से चॉप करिएगा। 5 से 6 ग्रीन चिलीज हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिए। 1 इंच अदरक का ये टुकड़ा है, ये मैंने बारीक चॉप कर लिया। और ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं, ये काट लिएगा आधा बंच। इसको हम मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया हमने इसको अच्छी तरह। अब हम इसको शेप देंगे। देखें मैं आपको एक शेप देके बता देती हूँ। एक इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे, इसको हम इस तरह से शेप देंगे। ये देखें इसी तरह हम बाकी सब भी बना लेंगे। देखें शेप्स मैंने बना ली हैं, सारी तमाम शेप्स मैंने बना ली हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन ले लिया मैंने, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें कबाब फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, कबाब ऐड करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर टू फाइव मिनट्स एक साइड से हम फ्राई करेंगे और 4 to 5 अदर साइड पे फ्राई करेंगे। देखिए 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको टर्न करेंगे। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इसके अंदर। एक करके हम सारे इसको की साइड चेंज करेंगे। इस साइड हम देखें 3 to 4 मिनट्स हमने अदर साइड भी हमने फ्राई कर लिया, अदर साइड भी कलर आ चुका है। हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, डिश आउट करेंगे। डिश आउट हमने कर लिया। अब देखें आप कितने अच्छे लग रहे हैं ये कबाब, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो जल्दी जल्दी जाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। चलती हूँ, इन दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।